अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन जलफरेजी मैक्रोनी, और ये है सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सेम जैसे जलफरेजी बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे, और मैंने सब जो है वो जुलियन में कट कर लिए है अपनी सारी वेजीज और चिकन को। आप चाहें तो आप क्यूब्स में भी कट करके डाल सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चिकन और वेजीज और सारे स्पाइसेस वगैरह देख लें आप, नमक और ये ऑयल, चिली सॉस, सोया सॉस, केचप, कुटी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और मैक्रोनी। और ये मैंने शेल और एल्बो दोनों ली हैं, आप चाहें तो आप सिर्फ शेल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल डालते हैं। ऑयल में मैं डालूंगी ज़ीरा और अपनी जो वेजीज है उनको सौते कर लूँगी। जिस तरह से हमने जलफरेजी बनाई थी सेम उसी तरह से बनाएंगे, और मैं इनको 1 से 2 मिनट तक सौते करूँगी। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। तो ये देखें, ये अच्छे से मैंने सौते कर ली हैं। अब इनको निकाल देते हैं एक बाउल में। यही पैन लेंगे, इसमें मैं ऑयल डालूंगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। इसको मैं 1 मिनट तक अच्छे से सौते करूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन अपनी ऐड करूंगी। और चिकन को हम अच्छे से कुक करेंगे, इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और इसका जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी जो चिकन है वो हो चुकी है। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ और नमक भी ऐड कर लूँगी, और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें अब डालूँगी अपनी गाजर, और 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसमें सॉस डालूँगी अपने, चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप। केचप का टेस्ट आपको कितना पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में इसमें टमाटो का जो पेस्ट बनाया था, एक टमाटर मैंने लिया था और उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, तो वो डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। लास्ट में हम इसमें दही डालेंगे। आप चाहे तो आप ग्रेवी वाली भी बना सकती हैं, और आप चाहे तो आप बिल्कुल ड्राई भी बनाएंगी। मैं ड्राई बना रही हूँ। यहाँ पे हम लोग इसमें दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके भी रख सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो। इसको मैं ढक कर रखा है मैंने 5 मिनट तक। तो हमारी जो चिकन थी वो अच्छे से कुक हो चुकी थी, और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें अपनी वेजीज डाल रही हूँ जो सौते की थी, इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इनको मिक्स करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से है, और लास्ट में मैं इसमें अपनी मैक्रोनीज ऐड करूँगी। तो ये हमारी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल के उसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो। तो मैक्रोनी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, और इसको मैं 1 मिनट तक मज़ीद ढक कर रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी मैक्रोनी थी वो अच्छे से बॉयल थी। और 1 मिनट तक इसको ढक के रखा है मैंने, और ये देखें हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो जलफरेजी मैक्रोनी तैयार है। मैंने बिल्कुल ड्राई बनाई है, आप चाहें तो ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो मज़ेदार सी हमारी चिकन जलफरेजी मैक्रोनी तैयार है। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।